Hi everyone, this is Akash Verma and I'm the founder of Pharmaminds. And in this interview, मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ हेमंत को, और जिन्होंने अभी जी पैट एंड नाइपर दोनों क्वालिफाई करा है. सो वी हैव हेमंत विद अस. सो हेमंत, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? थैंक यू सो मच सर, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज हेमंत सोनी, आई बिलोंग टू बिलासपुर छत्तीसगढ़, एंड माय कॉलेज इज स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौथे ग्रुप ऑफ कॉलेज, बिलासपुर छत्तीसगढ़। एक्चुअली मैंने 2 टाइम जीपेट क्वालिफाई किया है और फर्स्ट टाइम नाइपर क्वालिफाई, जिसमें मेरा 1613 रैंक है नाइपर में। ओके, कंग्रेचुलेशंस हेमंत. आई वुड लव टू सी यू इन नाइपर. जल्दी से नाइपर आना है फिलहाल, अभी है ना. थोड़ा आपको जानते हैं, यू नो, लेट्स नो अबाउट यू मोर. तो आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है खाली टाइम में? प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक। ओके ओके. मैं भी बहुत क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे. मतलब आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा रोहित शर्मा। ओके, मेरा वीरेंद्र सहवाग तो, एंड विराट कोहली ऑफ कोर्स. बढ़िया है. यस मतलब क्रिकेट, मतलब आप कहीं अच्छे लेवल पे खेलते हैं, फिर गली क्रिकेटर मेरी तरह. मैं तो गली क्रिकेटर हूँ बिल्कुल. गली क्रिकेटर। बहुत बढ़िया यार, चलो ठीक है. ओके, तो होता है कि हम बी फार्मा करते हैं, तो हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं यार, ये बेकार है ये अच्छा है. तो उनमें से आपको कौन सा लगा कि यार ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, ये फेवरेट है मेरा? मेरा तो पर्सनली फार्माकोलॉजी एंड फिजिक्स से ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को सभी अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा फार्माकोलॉजी अच्छा लगता ओके ओके, तो फार्माकोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट्स ग्रेट. मेरा भी है। वही है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए. ओके, तो यस आपको क्या लगता है कि जी पैट को क्वालिफाई करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या फायदे हैं जी पैट को क्वालिफाई करने के? अगर हम जीपेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब हमें अच्छे अगर रिपोर्टेड कॉलेज में पढ़ना है तो हमें जीपेट मस्ट है। लाइक अगर हमें नाइपर में पढ़ना है तो उसके लिए तो पहले जीपेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर नाइपर के एंट्रेंस क्रैक करके नाइपर जाना पड़ता है। उसके बाद है हमें 12,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि हमारे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी काम करेगा। ओके ओके, तो आई थिंक जो भी एस्पायरेंट है 2023-24, तो गाइस जी पैट के काफी फायदे हैं, एंड यू शुड एम फॉर दिस एग्जाम, काफी इम्पोर्टेंट है ये. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपसे इससे इसमें डिटेल में आंसर चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी. क्या आपने मेजर पे फोकस करा, क्या आपने माइनर पे फोकस करा, या आपने दोनों साथ में चलाए, या फिर आपने एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया? तो आपकी स्ट्रेटेजी रही क्या इस दौरान? तो मैंने मेजर सब्जेक्ट पर ही फोकस किया था, लाइक पोलॉजी, फिजिक्स, एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही फोकस किया था। मैंने माइनर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जैसे पोलॉजी वगैरह को ज्यादा ध्यान, और माइनर सब्जेक्ट में जैसे जुरिस्प्रूडेंस वगैरह को बस पढ़ा था और उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करता ओके, दैट्स ग्रेट, था। दैट्स एंड ग्रेट. जैसे कि कोलाजी, अगर हम जैसे एक टॉपिक करने हैं, जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी हमारा जैसे कंप्लीट हो, उसके बाद हमें तुरंत उसके एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना पढ़े हैं और कितना टॉपिक हम लोगों से कवर हो गया है, और जो नहीं बन रहा है उसका हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करना। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आई थिंक काफी सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, बिकॉज बट हेमंत हैज स्टेटेड हेयर कि फार्माकोलॉजी, और यू नो, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाला है कि सब्जेक्ट करो, एमसीक्यू लगाओ, ताकि वो दिमाग में टॉपिक रिवाइज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए. तो दैट्स द की टेक अवे दैट वी कैन टेक, यू नो. नेक्स्ट चीज जो मुझे आपसे पूछनी कि आपने रेफरेंस बुक्स अगर इस्तेमाल की, मतलब आप करते थे रेफरेंस बुक का इस्तेमाल, आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है जीपैट में? यस सर ऑफ कोर्स, जैसे कि हमें कोलॉजी के लिए ओनली मैंने KDT पढ़ा था और MCQ प्रैक्टिस के लिए गर्ग का पढ़ा था, फर्स्ट बुक का था। फिजिक्स के लिए मैंने लैकमैन से पढ़ा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहल एंड बहल, एनालिसिस के लिए चतवार, इतना ही बस पढ़ा था मैं। ओके ओके, ग्रेट यार. नहीं, ये तो बहुत फेमस बुक्स है रेफरेंस, KDT, लैकमैन. मैंने भी KDT काफी यूज करी थी, स्पर्श गुप्ता यूज करी थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है. ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार हम कुछ भी चीज अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमारा एक शेड्यूल होता है कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे. वैसे होता तो नहीं है कुछ कि हम सोएंगे वो चला जाता है ऊपर ऊपर नीचे, लेकिन स्टिल एक शेड्यूल होता है कि यार दिन का 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है. तो आपका शेड्यूल कैसे होता था दिन का? जैसे कि मैं दिन को मॉर्निंग, जैसे कि मुझे मेजर सब्जेक्ट पर ही फोकस करना था, जैसे कि मुझे सिर्फ जीपेट क्वालिफाई करके नाइपर में एडमिशन लेना था, इसलिए मैं
सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट पर ही फोकस किया, जैसे कि मैं डेली मेजर सब्जेक्ट को फॉलो करता था। जैसे 1 घंटा मैं इकोलॉजी पढ़ता था, 1 घंटा केमिस्ट्री, फिर 1 घंटा मैथमेटिक्स पर्टिकुलर, और उसमें प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व करता था। ओके ओके, मतलब एक दिन में काफी सारी चीजें कवर कर ली। और होता है ना कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम काइंड ऑफ बोर से हो जाते हैं, तो हेमंत ने वो जो पार्ट था ना बोर होने वाला हटा ही दिया, क्योंकि वो बाकी सारे सब्जेक्ट एक दिन में ही कर रहा था, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके ओके, अब ये बहुत मेन क्वेश्चन है और ये थोड़ा पर्सनल भी है कि आपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया, मतलब जैसे स्ट्रेस होता है और अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, कुछ क्या चीजें आपने करी थी अपने टाइम पे। जैसे कि मैं डिमोटिवेट हो जाता था, मैं अपने सीनियर से जैसे आपसे बात कर लेता था, और अपने फ्रेंड से और टीचर लोगों से बात कर लेता था। और एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, तब मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाता था, जिससे अलग से मोटिवेशन आता था, पढ़ने में मजा आ जाता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि यार खेल आज आज मन नहीं कर रहा, आज क्रिकेट खेलने चले गए। हाँ सर, बहुत बार हुआ है ऐसा तो। ओके ओके, यस सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील कि यार हॉबीज आर अ ग्रेट मेथड टू डी स्ट्रेस, मतलब डी स्ट्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। स्ट्रेस में हो हॉबीज कर लो, यस क्रिकेट खेलाओ, घूम आओ, मूवीज देखाओ, बहुत यस बढ़िया। ओके, अब मैं आपका सारा टाइम नहीं लूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यार लास्ट में कि आप जो जीपैड में एस्पायरेंट आने वाले हैं आगे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है। उनका मेरे को बोलना है कि सबसे पहले हमें अपने मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, जैसे पोलॉजी, फिजिक्स, एनालिसिस, इन्हीं पर फोकस करना चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जिससे ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं मेजर टॉपिक से आता है। जैसे कि हमें अपना मेजर सब्जेक्ट कवर हो गया, उसके बाद ही हमें अपने माइनर सब्जेक्ट पर जाना चाहिए, जिससे कि हमें और इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे मेजर हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही हमें माइनर सब्जेक्ट में जाना चाहिए। और हमें, और अगर 1 मंथ बचा है जैसे एग्जाम हमारा, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख के, और उसका प्रॉपर लास्ट डेट तक जितना हमें रिवीजन करना है उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा रिवीजन कंप्लीट हो सके। ओके ओके, थैंक यू सो मच। लाइक मैं भी हेमंत के कुछ बोलना चाहता हूँ। आई हैव बीन इन टच विद हेमंत सिंस 1 ईयर, 1 साल से मैं टच में हूँ, और जितना मैंने ऑब्जर्व करा, हेमंत इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर विद हिज वर्क। ही हैज यू नो हैज अ पेज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, उसका पेज है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मिशन जी पैट करके, तो इट्स अ ग्रेट पेज। उसमें काफी एमसीक्यूज ही इज रेगुलर, ही यूज टू अपलोड दैट, एंड यू नो मैं भी ऑप्शंस कभी कभी टिक टिक कर लेता हूँ, काफी मजा आता है, तो आप जाके देख सकते हैं। ही इज वेरी यू नो हार्ड वर्किंग, रोज शो अप करना, एमसीक्यूज डालना, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, यू नो दैट्स हाउ आई फील यू नो हेमंत इज। एंड रियली थैंक यू सो मच हेमंत फॉर दिस ब्यूटिफुल इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसलिए थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नाई पर में फटाफट से। चलो ओके ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। Till then, stay tuned, keep yourself safe, keep you know, keep motivated and study hard. Bye.